श्री नारायण गुरु धर्म समाजम व श्री नारायण गुरु विद्या भवन की संयुक्त तत्वावधान में शिव मंदिर पुनः प्रतिष्ठा का 10 दिवसीय भव्य आयोजन सेक्टर 4 SNG स्कूल कार्यक्रम में संपन्न हुआ। गौरतलब है कि सेक्टर 4 SNG विद्या भवन के प्रांगण में पुनः प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन किया गया। 5 जुलाई से प्रारंभ इस भव्य आयोजन के 8वें दिन श्री नारायण गुरु की प्रतिमा के साथ भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश, कार्तिकेय की प्रतिमा को विराजित किया गया। बता दें कि समिति द्वारा सर्वधर्म एकता व आपसी भाईचारे का मकसद लिए इस भव्य आयोजन को कराया गया है। पूरे विधि विधान और मंत्रोपचार व ढोल नगाड़ों के साथ पुनर्प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में शामिल श्रद्धालुओं ने दर्शन लाभ लिए। इस दौरान इस भव्य आयोजन में दुर्ग के पूर्व विधायक अरुण बोरा सह परिवार शामिल हुए। साथ ही पार्षद सीजो एंथोनी के साथ अन्य लोग भी यहां पर शामिल होकर जहां पर दर्शन लाभ लिए, वही नव निर्मित मंदिर की प्रशंसा दिल से की। देखिए भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूर्ण करें। ये सेक्टर 4 का बहुत ही ऐतिहासिक, प्राचीन और जो यहाँ आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। इस मंदिर के नवीनीकरण के अवसर पर आने का सौभाग्य मिला परिवार सहित, इसके लिए मैं यहाँ के हमारे सभी पदाधिकारियों का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। खासकर हमारे VK बाबू साहब जो लगातार अपने सभी सहयोगियों के साथ मिलकर इस मंदिर के नव निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। और जो भी यहाँ आएगा मैं समझता हूँ कि उसकी मनोकामना जो मन में लेकर आएगा, क्योंकि भोले बाबा हैं, उनसे जो भी शुद्ध मन से मांगता है वो उनको वो देते हैं। तो मैं ये हमारे लिए, हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी ऐतिहासिक धरोहर है। इसको सहज के रखने की जिम्मेदारी आगामी पीढ़ी पर है। मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। मैं तो प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना करता हूँ, उनके वो जीवन में सब आगे बढ़ें। और यहाँ आकर अगर समय मिलता है, क्योंकि इस व्यस्तता भरे जीवन में समय कम मिलता है, लेकिन जब भी समय मिले तो यहाँ जरूर आए, क्योंकि केरल का जो स्वरूप यहाँ दिखलाई दे रहा है वो पूरे छत्तीसगढ़ में मेरे को कहीं हमको कहीं नज़र नहीं आया। यहाँ आएंगे और अपनी मनोकामना पूर्ण करके जाएंगे। आज सेक्टर 4 SNGS में भगवान शिव के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर हमारे बीच विधायक हैं, अध्यक्ष VK बाबू, इन सबको मैं शुभकामना देता हूँ। खासकर इनकी समिति को शुभकामना देता हूँ। केरल का जो भगवान का मंदिर आज सेम भिलाई में जो संपूर्ण भारत में एक तो विशेष दर्जा देता है मंदिर, इसी अवसर पर मैं सबको शुभकामना देता हूँ। बता दें इस ऐतिहासिक दिन के साक्षी बनने पूरे प्रदेश भर से शिव भक्त शामिल हुए थे। शामिल भक्तों ने जहां भगवान का दर्शन लाभ लिया, वहीं प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भिलाई में आज पूरा केरल की छटा नजर आ रही है। ये आज जो कार्यक्रम जो यहां पे हुआ है ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक उपलब्धि का दिन है। ऐसा हमको बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि हम यहाँ भिलाई में खड़े हैं। केरलियन हमको ऐसा लग रहा है कि हम केरला में हैं। यहाँ का जो वैभव, जो माहौल, जो लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट जो है बहुत ज़बरदस्त रहा है। मैं समाज और इस यहाँ के जो कमेटी मेंबर्स को मैं सारे दिल तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा एक कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किए, एवं पूरे भगवान लोग का जो पुनः प्रतिष्ठा हुआ है ये हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। जी आज हम भिलाई में खड़े हैं, मगर हमें छत्तीसगढ़ के अंदर में ऐसा लग रहा है हम केरल में खड़े हैं। और ये जो मंदिर है केरल की तर्ज पे बना हुआ है, आज हम केरल की वादियों में ढल गए हैं ऐसा हमें लग रहा है। समिति के जनरल सेक्रेटरी TU सुनील ने भी आयोजन को लेकर इस तरह की जानकारी मीडिया को दी। बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचे क्योंकि इतने दिनों से हम बोलते ही जा रहे हैं और आज हमारा सपना साकार हुआ है। हमारे समाज के सभी श्रद्धालुओं का सबका सपना साकार हुआ है और मैं सभी श्रद्धालुओं सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, और क्योंकि इन सबके आशीर्वाद से ये काम हो पाया है।
बोलने के लिए ज़्यादा शब्द नहीं है। जी, आज सवेरे से मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूँ, सभी लोग डाल रहे हैं भिलाई में केरल आ चुका है करके, तो वाकई में इसकी बहुत खुशी है। हमारे समाज, हमारे जो हमारी कमेटी है, हम सबको बहुत गर्व महसूस हो रहा है और वाकई में आज नो वर्ड्स कोई शब्द नहीं है। मैं एशियन की टीम शाहीन मैडम खास करके और हमारे जो कैमरामैन सर हैं, मैं आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो पूरा कवरेज बराबर किए हैं और भिलाई की जनता उसको देख रही है। इसके लिए खास करके शाहीन मैडम, मैंने समय समय पे मेरे को बहुत तंग की है कि वो वीडियो बनाना है, बाइट देना है। और मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत अच्छे से हमारा तिरुवाद्रा ग्रुप का भी आपने बहुत अच्छे से बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि क्या कवरेज करना है। तो पूरी एशियन टीम को मेरे समाज और मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। गौरतलब है कि श्री नारायण गुरु धर्म समाजम व नारायण गुरु विद्या भवन के द्वारा इस भव्य मंदिर के निर्माण के साथ पुनर्प्रतिष्ठा के आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। शामिल श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन करने के बाद देश में खुशहाली की प्रार्थना भगवान से की। एशियन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।